हे गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं करने वाली हूँ एक व्लॉग्स, जो कि व्लॉग्स भी नहीं है, बस यही है कि मैं कैसे शूट करती हूँ। सो मेकअप के लिए मैं कैसे शूट करती हूँ, जैसे कि मेकअप ट्यूटोरियल के लिए। सो मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, सो मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ कि कुछ मेकअप ट्यूटोरियल शूट करने के लिए या तो कुछ भी आप यूट्यूब के मतलब स्किन केयर या हेयर केयर कुछ भी आप यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कैमरा चाहिए या नहीं चाहिए, और आप लोग को कैमरा के बिना कर सकते हैं कि नहीं सकते, इसके बारे में मैं बोलने आ रही हूँ। इतना तो आप लोग को पता चल गया कि कैमरा चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑब्वियसली कैमरा नहीं होने से भी चलेगा, क्योंकि मैं अभी जैसे शूट कर रही हूँ, एक मोबाइल से शूट कर रही हूँ, जो कि ये मोबाइल है ओप्पो रेनो 6 प्रो। सो ये मोबाइल से मैं फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों कैमरा साइड से शूट करती हूँ, जो कि मुझे अभी कैमरा मैं नहीं ले पा रही हूँ, अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। सो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप मोबाइल से ही शूट कर सकते हैं। सो हमें वीडियो शूट करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, एक बैकड्रॉप जैसे कि मेरे पीछे लगे हुए हैं। सो ये एक सस्ता बैकड्रॉप है, जो कि आप लोगों को मैं बता रही हूँ, जो कि ये मैंने लोकल वाला स्टोर से खरीदा है, जो कि वन पीस यहाँ पे 4 पीसेस लगा हुआ है, जो कि मैं ऐसे कर करके लगाई हूँ। सो एक पीस का दाम है 150 रुपये, 150 रुपये मैंने 4 खरीदा है। सो जब 150 रुपये में काम हो सकता है तो फिर क्यों टेंशन लेना है। सो पहले मैंने बैकड्रॉप में बैक कलर जो बैकड्रॉप उसमें कराया था, बट उसके बाद मेकअप ट्यूटोरियल के लिए थोड़ा सा है ना लाइटिंग आना चाहिए, थोड़ा सा पिंक पिंक या तो थोड़ा सा लाइट ऑरेंज टाइप कुछ। सो इसी वजह से मैंने इसको खरीदा है। और ये जो लाइट है ये सस्ता वाला देसी जुगाड़ लाइट, जो कि दिवाली लगता रहता है। सो इसीलिए मैंने इसको भी जैसे ही मुझे फील आया कि हैप्पी दिवाली टाइप, सो इसलिए मैंने इसको भी खरीदा है। सो इसका आपको कितना 90 100 कुछ हुआ था इसका। और मैं ये जो मेरे पास खिलखिलेता फ्लावर्स है, तो ये फ्लावर भी मैंने लोकल वाला स्टोर से ही खरीदा था, जो कि फ्लावर और पॉट जो कि दोनों मिला के आपका पड़ गया था 700 कुछ। सो आप कुछ शूट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक बैकड्रॉप ले लीजिए, बेड आप किसी में भी बैठ सकते हैं। आपको और एक चाहिए एक चीज़ जो है माइक, माइक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वॉइस आपको अच्छे से क्लियर आने के लिए माइक का ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैंने ये बोया का माइक लिया हुआ है, इसका पिक्चर मैं दे दूंगी। सो इसका बॉक्स कहाँ मतलब कहाँ गुम हो गया है, जो कि एक साल मैंने इसको यूज़ किया है। सो एक साल यूज़ करने के बाद इसका जो बॉक्स है पैकेट वो कहाँ ही रहेगा, जो पैकेट है वो कहीं भाग गया है या तो कहीं डस्ट में चला गया है। सो ऑब्वियसली इसका पैकेट खो गया है, एक साल में पैकेज नहीं रहेगा। सो माइक आपको एक जरूरी है। सो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बैकड्रॉप अच्छा सा ले लीजिए, लाइटिंग हो तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, काम चलना चाहिए। पहले पहले शुरुआत आप लोग ऐसे कीजिए। सो मैं पहले पहले शुरुआत बहुत सस्ते से कर रही हूँ, अभी तो ये था, इससे पहले तो मैं बस एक ब्लैक सा कपड़ा और कभी कभी बेड कवर से भी शूट किया हुआ हूँ, जो कि मैं पिक्चर दे दूंगी आपको। सो पहले मैं बेड कवर से शूट किया था, तब मेरा ये रूम भी नहीं था जिस रूम पे अभी मैं कर रही हूँ। सो इसके बाद मैंने फ्लावर्स ले लिया है थोड़ा सा, आपके पास कुछ भी है जो कि शोपीस वगैरह है उससे भी करा सकते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं था इसलिए उपाय नहीं का इसको लिया। सो इसके बाद आप लोगों को डिजिटेक का लाइट चाहिए, आप लाइट कुछ भी ले सकते हैं। सो गाइस ये है लाइट, जिसका 3 सेक्शन है, जो कि आप ऊंचा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ऊंचा भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। और ये है स्विच, देखिए कितना ज़्यादा उजाला है, जो डिजिटेक का लाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे ये बैटरी से भी काम आता है। सो ये इसको आप लाइट को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने अमेजोन से लिया था, 4300 रुपये लिया था मैंने जब लिया था विथ स्टैंड के साथ। सो ये मेरा बहुत ही काम आता है, मैं दो यूट्यूब चैनल इसी से यूज़ करती हूँ। सो इसका उजाला देखिए कितना ज़्यादा है।
सो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। सो ये मैंने एक फ्लावर पॉट लिया था जो कि डेकोरेट करने के लिए, जिसका मेरा 750-800 में आ गया था विथ पॉट के साथ। और ये जो है पर्दा जो कि बेकॉर्ड, इसको मैंने लोकल स्टोर से ख़रीदा था 150 रुपये करके एक का। सो अच्छा ही है वैसे, आप मतलब बार्गेनिंग करना चाहिए। जो कि मैंने फुटपाथ से लिया था, जैसे कि रोड के साइड में बैठते हैं ना वहाँ से। और मेरा पास थोड़ा बहुत कॉपी रहता है हमेशा, क्योंकि जब भी मैं यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ मैं कंटेंट लिखती हूँ यहाँ पे। सो इसके बाद कभी भूल जाती हूँ तो इसको देख के पढ़ के याद रहता है। और ये है माइक और ये है मिरर, कभी कभार चेहरा को देखने के लिए। सो ये मिट्टी के ऊपर ही मैंने ये कारपेट बिछा के रखा है, बस बैठने के लिए। और कभी कभार कुछ चीज़ें वॉक करने के लिए भी चाहिए होता है। सो यही है मेरा सेटअप, देसी जुगाड़। थोड़ा बहुत लाइटिंग लगा रही हूँ, 100 रुपये का लाइटिंग तो हो रहा है अच्छे से। यहाँ पे सब कुछ टेंशन की बात नहीं है। सो लाइट ऑफ कर देती हूँ तो ऐसा होता है, और अगर ऑन कर देती हूँ तो पूरा उजाला हो जाता है। सो ये लाइट मुझे बहुत ही वॉक कर रहा है। साथ में भगवान जी मेरे साथ रहते ही है, सो भगवान जी को भी रखी हूँ। और यही है मेरा देसी जुगाड़ वाला सेटअप। ये वाला जो डिजिटेक लाइट है, सो इसको मैंने खरीदा था EMI में, जो कि अमेजोन से खरीदा था। सो इसका EMI में खत्म हो गया, क्योंकि इसका लिया हुआ है 9 महीना हो गया है, ठीक है। सो मेरा फोन ले लिया था, मेरा 40,000 का जो फोन है, ओप्पो Reno 6 Pro, इसमें भी अच्छा वाला वीडियो शूट होता है। आप लोग 15,000 20,000 कुछ भी फोन हो जाए, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं, बस एक स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन आप लोग सभी के पास है, तभी तो आप लोग मुझे देख पा रहे हैं अभी। इसलिए एक स्मार्टफोन ले लीजिए, उसका बैक कैमरा फ्रंट कैमरा दोनों से ही आपका काम चल सकता है। सो मैं ये कैमरा स्विच करते रहती हूँ, अगर मुझे कुछ सामान दिखाना होता है, जैसे कि इसमें अगर कुछ लिखा हुआ होता है, अगर इसमें कुछ नाम वगैरह प्रोडक्ट्स जो मेकअप का ट्यूटोरियल दिखाना पड़ता है, तो मैं ऐसे बैक कैमरा करती हूँ, हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है, बैक कैमरा करती हूँ, ताकि ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा, मतलब क्लियर आ जाए कि नाम ऐसे। अदरवाइज अगर कुछ भी बात करना हो आप लोगों से, या तो कुछ भी बोलना हो, कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं दिखाना चिट्चर टाइप का, सो मैं फ्रंट कैमरा से बात करती हूँ, फ्रंट कैमरा यूज़ करती हूँ। सो यही है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, नहीं, एक स्मार्टफोन, एक लाइट और थोड़ा सा बैकड्रॉप, बस इसके बाद आप लोग स्टार्ट कर से इसी से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं तो पहले ये भी नहीं था, तो ऐसे स्टार्ट कर रही हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूव करते गई हूँ। पहले मेरे पास रूम भी नहीं था कि मैं किसी रूम पे जाके शूट करूँ, एक ही मेरा बैम्बो हाउस है, जो कि घर बना रही हूँ, हम लोग का हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग अभी बैम्बो हाउस में रह रहे हैं। सो उसी घर पे हम लोग सोते भी है, किचन भी है थोड़ा साइड में। सो जब बनाई हूँ, जो कि मेरा एक बेटा है 5 साल का, जब बनायु सो जाते हैं, सो जाने के बाद साइलेंट हो जाते हैं सब कुछ, तब मैं शूट करती हूँ। बट उसके बाद अभी मैंने, वैसे ही मैंने बहुत वीडियो शूट किया एक्चुअली। आप लोग मेरा इस ब्लॉग्स में ना पुराना मेकअप ब्लॉग्स देख सकते हैं, या तो कुछ भी वीडियोस। तो इसके बाद मैंने मुखबंग के लिए भी मैंने ऐसा ही कुछ इंतजाम करके रखा है, जैसे कि बैक साइड का बैकड्रॉप, एक ब्लैक कलर का क्लोथ और टेबल, बस कुछ नहीं, एक रिंग लाइट है मेरे पास, इससे ही काम चल सकता है, कोई टेंशन का बात नहीं। एक, मैं फिर से रिपीट कर, एक स्टैंड ले लीजिए, एक लाइट ले लीजिए और थोड़ा सा बैकड्रॉप, अगर नहीं है तो बेड कवर ले लीजिए, देसी जुगाड़, उसी से ही आप लोगों का दिखने में अच्छा से नहीं, आप लोगों का काम से मतलब रखता है लोग। जैसे कि अगर हम आप लोगों से कुछ, आप लोगों का फ़ायदा हो, मैं कुछ वीडियो बना रही हूँ जो कि अच्छा वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप लोग चाहते हैं कि और मेरा वीडियोस देखें, तो वही मेरा काम से ही मतलब होता है कि आप लोगों को मेरा काम चाहिए अच्छा सा। सो इसलिए पहले पहले शुरुआत नीचे से ही कीजिए, अगर आप लोग के पास है, ले सकते हैं आप लोग तो आराम से खरीद सकते हैं अच्छा सा रूम, उसमें अच्छा सा डेकोरेट, आजकल यूट्यूब में बहुत सारा मिलते हैं, वो सब देख के डेकोरेशन कर सकते। मैं तो सस्ता वाला देसी जुगाड़ कर रही हूँ, धीरे धीरे अगर अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छा बनाएंगे, जब तक नहीं होगा तब तक आप लोग मुझे ऐसे ही देखिए। सो ऐसे ही मैं शूट करती हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस बाहर का आवाज़ नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके, थोड़ा सा पैसा जुगाड़ करके मैंने एक रूम बना लिया है, जो कि रूम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि इसके पीछे आप लोग को पता है, मैं दिखा देती हूँ, ऐसे ही है इसके पीछे
जो कि मतलब प्लास्टर भी नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं है इसी में ही, इसी के ऊपर मैं पर्दा लगा के थोड़ा सा मेरा हैप्पी दिवाली वाला लाइट लगा के मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। सो टेंशन की बात नहीं है, बस हमें काम से मतलब है, हमें काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। स्टार्ट करती हूँ, आई होप आप लोग भी ऐसे ही स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग कर सकते हैं। और एक हाँ, मोबाइल रखने के लिए एक स्टैंड जरूर ले लीजिए, 200-250 में अच्छा वाला स्टैंड आ जाएगा। मैंने पहले 200-250 का स्टैंड लिया था, बट वो 6-7 महीना ही चला, क्योंकि मैं दो दो चैनल यूज़ करती हूँ, मुकबंग चैनल और ये ब्लॉग्स वाला, जो जिसके लिए मेरा कैमरा ऐसे इधर से उधर भागना पड़ता है, जिसके वजह से टूट गया है। बट ये वाला जो मैंने स्टैंड लिया है, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। सो आप लोग, मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग कैसे कैमरा वगैरह का स्टैंड ले सकते हैं और लाइट का स्टैंड भी ले सकते हैं, आराम से चल जाएगा आप लोगों का। मैं ऐसे ही शूट करती हूँ, मैं सोच रहा था आप लोग के सामने लाऊं, सो आज ला रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो और अच्छा से आप लोग को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे और अच्छा से आप लोग को समझाने की कोशिश करें। प्लीज मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, आई एम सारा 1993 इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे दे दिया जाएगा, और मेरी मुकबंग चैनल में भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही फैमिली बन के बना रहिए। और आप लोग की सपोर्ट मेरा पूरा फैमिली देख सकते हैं, मतलब फैमिली को मैं मेरे बच्चे को देख सकती हूँ आप लोग की सपोर्ट से। तो चलिए फिर से आएंगे एक अच्छा सा ब्लॉग्स लेके, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए और हमेशा हंसते रहिए और सेफ रहिए, बाय बाय और गुड नाइट।